एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा उनके पास भाजपा नेताओं की अश्लील सीडी है, इसलिए भाजपा को अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के हर्ष फायर मामले पर कहा भारतीय जनता पार्टी को अपना चाल चरित्र और चेहरा देखना चाहिए। बीजेपी के मंत्री विधायक तमाम नेताओं की अश्लील सीडी हमारे पास है, लेकिन हम इस तरीके के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में शामिल नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम असली सीडियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सुनील सराफ ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने नव वर्ष और अपने जन्मदिन पर हर्ष फायर किया है, तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग सुरक्षा करें, निशानेबाजी सीखें। गृह मंत्री छोटी छोटी बातों पर FIR कराते हैं, इससे कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस दबने वाली नहीं है। सुनील सराफ ने कोई अपराध नहीं किया, नव वर्ष के उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा था, उनका जन्म दिवस भी था। इस मौके पर अगर उन्होंने हर्ष फायर किया है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग अपनी सुरक्षा करें, निशानाबाजी सीखें। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आज सत्ता के मद में मदहोश हैं। छोटी छोटी बातों पर FIR कराना, इससे कोई कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस दबने वाली नहीं है। उन्होंने कहा 2023 में हम जवाब देंगे और इस चुनाव में प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। नरोत्तम मिश्रा को छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय नेताओं को अपमानित करना ये राजनीति में परंपरा भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लाए हैं। विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष नवम्बर में आने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों की जवाब देगी और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।